साजन के और किसके साजन बनने वाले हैं आप? सर पहले तो मैं बता दूं, मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। नाम मेरा जानते हैं आप लोग, जो नहीं जानते उनको फिर से बता दूं, मेरा नाम है मनोज आर पांडे, इनका नाम है कल्पना शाह, बाजू में मनीष है, बहुत प्यारा है, पैनिंग करते रहिए भाई। मनीष है, बहुत प्यारा बच्चा है, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आप लोगों ने मुझे लहरिया लूटा राजा जी में प्यार दिया ना, मेरी छाप बन गई, उससे ज़्यादा प्यार इसको दीजिए। बगल में है प्रिया जी, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए इंडस्ट्री में रोज़ नए चेहरे आएंगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा, जितने ज़्यादा हीरो होंगे इंडस्ट्री उतनी बड़ी होगी। देखिए साउथ में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हीरो हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ का कलेक्शन है 3000 करोड़, हमारी भोजपुर इंडस्ट्री का कलेक्शन है 1 करोड़। लोग झूठ बोलकर प्रोड्यूसर को ले आते हैं, ठीक है, कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, सच क्यों नहीं बताते हैं, ठीक है। बोलो तो बहुत सारे नाम बोल दूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा, बहुत लोग खफा हो जाएंगे, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। सच थोड़ा कड़वा होता है, करेला होता है, करेला किसी का नुकसान नहीं करता। इतना कहूँगा प्रोड्यूसर से सच बोला कीजिए, प्रोड्यूसर कम रहेंगे लेकिन रेगुलर प्रोड्यूसर बन जाएंगे, वो कंटिन्यू फिल्म बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर भी आए तो ठोक बजा के आए, ताकि उनको पता हो मैं पैसे कहाँ लगा रहा हूँ, मेरे पैसे रिटर्न आएंगे या नहीं। जन के में मनोज जी के साथ, मनीष जी के साथ, प्रिया जी के साथ, सारे मेरे जितने भी को आर्टिस्ट हैं, हम सब लोग मिलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस दें, एक बढ़िया फिल्म दें फिर से एक बार। और मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं बता दूं आपको, और हमेशा से एक सपना रहा था, सपना हाँ, ही था कि हम साथ काम करें, और फिलहाल फिल्म का टाइटल है सपने साजन के, तो मेरे ख्याल से सपने पूरे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। मनीष की बात करें तो मनीष ने भी सपना देखा होगा कि मैं ही नहीं, वही मनीष पे ही पहने रखे, मेरा ओवरलैप होता रहेगा ज्यादा अच्छा है। मनीष ने भी सपने देखे होंगे कि मैं हीरो बनूंगा, है ना, और मैं हीरो बन के मैं एक दिन स्टेबल होऊंगा। तो आज मनीष आपके भी सपने पूरे हो रहे हैं, टाइटल है सपने साजन के। प्रिया जी बगल में है, हाँ प्रिया जी, आपने भी सपना देखा होगा। प्रिया जी आप प्रिया जी पे पैनिंग करिए भाई, प्रिया जी भी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए, यहाँ आ जाएंगे। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी प्रिया जी चले गए ना, नहीं नहीं बिल्कुल, जब मैं जिसका नाम लूँ उसके पास ही रखना सर। अभी प्रिया जी हैं तो इन्होंने भी सपना देखा होगा, आज इनका भी सपना पूरा हो रहा है, उनका नाम है सपने साजन के। यहाँ हर इंसान सपने देख कर ही आया है, तो टाइटल सब पर सूट करता है। ये टाइटल खाली मनोज आर पांडे के लिए नहीं है, ये सबके लिए, सबके सपने होते हैं, हर ऑडियंस के सपने होते हैं। तो मैं चाहूंगा ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, सबके सपने पूरे हों। इनफैक्ट हर लड़की का सपना होता है कि उसका फेवरेट सच है उसको मेरे टाइप का साजन मिल जाए। अभी तक तो मेरा सपना पूरा हुआ नहीं है, लेकिन वो शायद कहीं हो जाए। आपके सपने के साजन कौन है? अभी तक मिला नहीं है, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे फिल्म में, तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे डेफिनेटली। किरदार की बात की जाए, कल्पना जी क्या कहना चाहेंगे? किरदार देखिए टाइटल से पता चलता है कि बहुत पॉजिटिव किरदार है। सजनी है, हाँ साजन की, अपने साजन की सजनी हो फिल्म के हिसाब से, और बहुत पॉजिटिव किरदार है। देखिए हीरो या हीरोइन ना, अगर वो नेगेटिव बन जाएगा तो विलन बन जाएगा, बिल्कुल उम्मीद है कि पॉजिटिव तो है ही है। और कोशिश है कि इस बार भी कुछ अच्छी छाप छोड़ी जाए, ऑडियंस को एक अच्छा भरपूर एंटरटेनमेंट दिया जाए। मनोज जी बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, तो क्या कहना चाहिए, क्या होता है? डायरेक्टर नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, तो डायरेक्टरों का रहना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर का नाम है मनोज भास्कर जी, तो वो सिंह राशि है, मेरा भी नाम मनोज है, वो भी मनोज है, तो मुझे क्या लगता है पता है, जब उनका नाम आता है तो मैं भी प्राउड फील करता हूँ, मेरा नाम तो कंटिन्यू आ रहा है, मेरे लिए तो बहुत बेटर है। सिंह राशि है, तो मेरे ख्याल से मनीष की सोच भी मेरी तरह ही होगी, ठीक है, यहाँ भी बता रही, मेरा भी सिंह राशि है, तो इनकी मेरे ख्याल से यहाँ सबकी सोच सेम है। मेरे घर का नाम एम से ही है, तो मेरे लिए खुशी है कि सब जाति बिरादर वाले हैं, सब सिंह राशि सब एक साथ बैठ गए, मतलब आपके एमआरपी का यम का यहाँ पे। हाँ एमआरपी ग्रुप तो है ही है सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप है जिसने एक छोटी सी मुहिम निकाली थी गंदे गानों को लेकर, दो चार लेटर यहाँ वहाँ फेंके थे, वो लेटर काम कर गए भाई, गलती से ना वो उसकी उपज बड़ी हो गई, और आज सबके मुँह से ये निकल रहा है कि गंदे गाने बंद हो जाने चाहिए। तो मैं मीडिया भाइयों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आप लोगों से, पत्रकार का मतलब होता है समाज का आकार, पत्रकार समाज का आकार दिखाता है, तो समाज का आकार गलत मत दिखाइए। बहुत लोग अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए ना न्यूज़ बड़ी झूठी झूठी यहाँ वहाँ करते हैं, मैं उनकी बहुत जल्दी क्लास लेने वाला हूँ, मेरे से बहुत डर के रहिएगा, मैं दिल से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सही बात बोला। तो पत्रकार रहिए, पत्रकार कहीं ना कहीं एक गरिमा है, अपनी गरिमा खत्म मत करिए, पत्रकार को पढ़ने ऐसा कुछ लिखिए ना कि आपको पढ़ने के लिए मैं भी वेट करूँ कि मैं उस साइड को ज़रूर पढ़ूँ। ज़बरदस्ती लाइक मत बढ़वाइए कि आज उसने उसकी बीवी को भगा लिया, आज उसने उसके इसको कर लिया उसको, ये सब चीज़ों चक्कर में मत पड़िए भाई,
भोजपुरी का नाम बहुत खराब हो रहा है पता है, क्योंकि भोजपुरी के चैनल बहुत ज्यादा हो गए। यही शख्सियत ठीक है। तो मनोज जी किसको दोषी मानते हैं? मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा नाम लिया को, जो मन खोजे आप ना मनोज आर पांडे से बुरा ना कोई। इस धरती का सबसे बुरा इंसान मनोज आर पांडे है, सबसे अच्छा इंसान भी मनोज आर पांडे है, क्योंकि जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, ठीक है, जहाँ मर्द है वहीं औरत है। मनोज जी फिल्म में आपके किरदार की बात करें तो हीरो सर सजनी का साजन हूँ। हर फिल्म में देखते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार की रक्षा करता है हीरो। कहानी सब एक ही होती है सर, हर घर में दाल चावल पकता है, किसी का दाल चावल टेस्टी होता है, किसी का थोड़ा खराब होता है। तो अब जैसे ही सजनी सपने साजन के बनेगी तो पता चल जाएगा कि मेरा किरदार कितना पावरफुल है। इसमें थोड़ा एक्शन, मैं एक्शन ही रहूँ तो बिना एक्शन के तो कोई फिल्म मुझे लेकर बनाता ही नहीं। मैं तो वेट करता हूँ किसी फिल्म में तो मत लड़ाओ, पर हर फिल्म में बोलते हैं मनोज भाई आपका एक्शन ऐसा है, बोलता हूँ ओके ठीक है, मैं मान जाता हूँ। तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कितना सपोर्ट करने वाले हैं? मैं पूरा, अरे मैं सपोर्ट नहीं करूँगा उनको तो कौन करेगा, बेचारे मुझ पर ही भरोसा करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आप पर भरोसा करता है। जब आप किसी का भरोसा बनते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसका ब्लड बनते हैं। तो किसी का भरोसा मत तोड़िएगा कभी, किसी को आस पर मत रखिएगा। मेरा मनीष दुबे का सादर नमस्कार। आवाज आएगा जी। मनोज पांडे जी के साथ आप भोजपुरी सिनेमा में एंट्री करने जा रहे हैं, क्या कितना एक्साइटेड है और कितना सीखने वाले हैं इनसे, इनका एक्सपीरियंस? जैसे कि भैया ने बताया सपने साजन के, तो सच है मेरा भी सपना पूरा हो रहा है। एक्चुअली ये मेरी सेकंड फिल्म है, फर्स्ट फिल्म भी मैंने मनोज भैया के साथ ही की थी, मेरे जीवन साथी, तो उसमें भी लीड किया था। भैया को क्या पता क्या अच्छा लगा, फिर से मौका मिला, बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि उनके साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, और उससे बड़ा खुशकदम भैया भी हैं। देखिए भैया भैया तब होते हैं ना जब छोटा भैया हो, बड़ा बड़ा तब होता है जब छोटा हो, वरना अकेले तो आप बड़े भी नहीं हो सकते, अकेले आप छोटे भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या है ना कि छोटों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। मेरा सहारा पूरा है और मैं पूरा बड़ों का सहारा चाहिए। वो मैं मतलब मैं अपने लिए बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, कल्पना जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, प्रिया जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और फिल्म तो मतलब अब नाम से आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या होगा इसके अंदर, बहुत प्यारा टाइटल है इसके बारे में। देखिए मैं यही कहूँगा, मनीष पहली बार लॉन्च हो रहा है, हर इंसान में थोड़ी सी त्रुटियाँ होती हैं, थोड़ी सी अच्छाइयाँ होती हैं, तो गलतियों को किसी के मत ध्यान दीजिए, उसकी अच्छाइयों को देखिए। अगर आप अच्छाई देखोगे तो इंसान अच्छा लगेगा, बुराई देखोगे इंसान बुरा लगेगा। ठीक है, मैं जब छोटा था ना तो मैं बहुत गलती करता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा जब तक आप किसी गली पर जाएंगे नहीं आपको वहाँ के खड्डे का पता कैसे चलेगा। तो जैसे जैसे मैं गुजरता गया ना मैं निखरता गया, और वैसे वैसे मैं बूढ़ा भी होता जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मैं बाप का रोल करूँगा, क्या हो सकता है आप लोगों का प्यार रहा तो रजनीकांत की तरह बुढ़ापे में भी सुपरस्टार बनकर 0.2 बनाऊंगा, फिर से फुल्ली अपलोडेड 0.2 फुल्ली अपलोडेड होगा। ऐसी बात नहीं, देखिए क्या है ना, लिट्टी चोखा भी बहुत प्यारा लगता है, अगर कुक अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। सही बात बोला। तो यहाँ के जितने कुक्स हैं ना, खास करके हमारे जितने डायरेक्टर्स हैं, वो जिस दिन अपने कहते हैं ना अकड़ पे आ गए ना कि सिनेमा बनाऊंगा तो साला बाहुबली बनाऊंगा, उस दिन कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम सबको सबसे पहले विश करनी है हमारे सारे डायरेक्टर्स के लिए, खास करके उन डायरेक्टर्स के लिए जो प्रॉपर डायरेक्टर हैं, जो सिनेमा से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं उनको अच्छे प्रोड्यूसर मिले ताकि वो अच्छी फिल्म बनाए, वो जो बजट चाहते हैं वो बजट उनको मिले ताकि फिल्म में कहीं कंजूसी ना हो। हमारे मीडिया भाइयों को अच्छा बजट मिले, अच्छा सपोर्ट मिले ताकि वो फिल्मों को बड़े लेवल पे प्रमोट कर सके, ये ना हो यहाँ से इंटरव्यू हुआ यूट्यूब पे लोड हुआ, जय श्री राम चलते हैं आपका हो गया। अच्छा मनोज जी बात हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं मनोज भास्कर जी सर, पैनिंग कर लीजिए, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, देखने में छोटे लगते हैं पर सिनेमा बहुत बड़ा बनाने जा रहे हैं। तो आप सब मेरी तरफ से और अपनी तरफ से भी इन्हें विशेष दीजिए कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाए और बैक टू बैक एक दिन राजा मौली बन जाए। ठीक है, बगल में हमारे चौधरी जी हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, नाम ही चौधरी है सर, आप देख रहे हैं कैमरा चौधरी जी पर ही रखिएगा भाई साहब, ठीक है, नाम ही चौधरी है तो बिल्कुल सूट करते हैं, चौधरी ही कुछ कर पाता है, बाकी हम तो इनके कहीं ना कहीं अंदर हैं। हीरो क्या है, जब तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ना हो हीरो का कुछ पता नहीं, हीरो दरअसल जीरो होता है, जब तक उसको ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रूपी अंक नहीं मिलते ना उसका कुछ होता ही नहीं भैया। तो विश करिए हमको ऐसे ही अंक मिलते रहें और दिन ब दिन हमारे अंक बढ़ते रहें,
आगे देखते हैं राम जी जाने मनोज जी और ये फिल्म आज के दौर पे जो देख रहे हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर फिल्म है यंगस्टर के लिए और साफ सुथरी फिल्म और बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। क्या आपकी लव स्टोरी तो नहीं है? नहीं, मेरी लव स्टोरी नहीं है। लोहा हर कोई का अपना लव स्टोरी है तो सारे लोगों का लव स्टोरी। कभी ऐसा ना हो कि किसी कोई कोई एक हादसा हो जो सोचा हो ला उसको सिनेमा का रूप दे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने देखा सारी चीज़ों को, हर प्रोजेक्ट देखे, काफ़ी फिल्में देखी, तो इसलिए ऐसा एक प्रोजेक्ट मैंने भी तैयार किया। जो चौधरी जी को बताया तो उन्होंने बोला कि चौधरी जी का भी सपना है तो रहा ही होगा, और इनकी जीवन की कोई कहानी रही होगी जो इस कहानी से मैच कर गई होगी, तो बोले इसी बहाने बहाना मिल रहा है सिनेमा के बहाने। नहीं ऐसा तो नहीं है मनोज जी ने कहा, लेकिन ये सत्य है कि कहीं ना कहीं एक सपना तो था। कभी बहुत पहले मुझे जगत में आने का सपना था और वो छूट चुका था, और मनोज जी के सहारे और एक संजय चौधरी जी है आज मैं इस जगत में आया हूँ और अपने इस स्टोरी को मुझे बताया और ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि एक सामाजिक कहानी है, एंटरटेनमेंट भी है और मनोरंजन भी, हास्य भी है, शिक्षाप्रद भी है। तो हम मनोज जी के साथ में और हमने कहा ठीक है, ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म मेरे जीवन साथी रही, उसमें मैं सहयोग किया हूँ, उसके प्रोड्यूसर हैं प्रकाश जी, प्रकाश यादव जी, साथ में मैं सहयोग किया हूँ, और इसमें भी कई साथियों ने भी इस कहानी को जैसे मैं बताया तो लगा कि नहीं बहुत अच्छा है और आप सर आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सुरेश पाल जी फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे साथ कर रहे हैं और दो एक साथी किए हैं, और इस फिल्म के लिए हम आगे चल पड़े हैं, और मुझे लग रहा है मनोज जी जैसे कहें कि वास्तव में मेरा सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि दूसरी फिल्म है और नेक्स्ट में आगे और मूवी हम करेंगे और बनाएंगे। विश करूंगा कि चौधरी जी की और मनोज जी की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जब तक ताना बाना एकदम बराबर रहता है सिनेमा बनता रहता है, और मैं यही कहूंगा कि इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, कोई बीच में ना आए, कोई नज़र ना लगे। दिल से विशेष है राम जी आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखें। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? और फिल्म की शूटिंग मैं इलाहाबाद, मुंबई और नेपाल करने वाला हूँ। संतों की नगरी, भक्तों का शहर, देवी देवता बसते हैं जहाँ चारों पहर, गंगा जमुना सरस्वती से जहाँ बनता प्रयाग है, अपने आप में कुंभ है वो जिसका नाम जिला इलाहाबाद है। अब तो प्रयाग ही है, अब तो प्रयाग ही है, इलाहाबाद प्रयागराज में जो है इसका नाम, अब उसका नाम इलाहाबाद नहीं प्रयाग है, और प्रयाग में करेंगे। महात्मा बुद्ध की नगरी कौशाम्बी में भी हम इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाएंगे, बाकी डायरेक्टर साहब बताएंगे कि कहाँ कहाँ करना है, लेकिन हमने जो सोचा है कि कौशाम्बी जहाँ महात्मा बुद्ध की नगरी है, और प्रयागराज जहाँ महात्मा और गंगा जमुना का है, वहाँ हम शूटिंग करेंगे, जहाँ पे संगम है वहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग होगी, और ऐतिहासिक स्थल है, देव स्थल कह सकते हैं उसे, ऐतिहासिक स्थल बहुत ही प्राचीन समय में वो भारत की राजधानी रही कला क्षेत्र में भी, वहाँ भी इस फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग हमने किया है, डायरेक्टर साहब को दिखा चुके हैं लोकेशन, और इन्हें लगा अच्छा है कि बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर भी हम गाने वाने फिल्माएंगे। तो जिस जगह लेकर जा रहे हैं वहाँ हमारे जगत के सबसे बड़े स्टार अमित जी वहीं से हैं, तो इसी बहाने उनका गांव देखने का मौका मिलेगा। अब एक बगल में और खूबसूरत अदाकारा खड़ी, देखिए नाम है प्रिया जी, प्रिया, प्रिया पांडे जी, जथा नाम है तथा गुणे, सच में प्रिया है, देखिए स्माइल भी बहुत प्यारी है। आप सभी को नमस्ते, जो पूछिए बताइए। फिल्म आज मुहूर्त सपने साजन के, तो टाइटल से ही लग रहा है कि जैसे मनोज सर ने बोला कि सपने साजन के, मतलब हर किसी का एक सपना होता है रियल में, सो मेरे भी सपने हैं। विश करिए वो सपने पूरे हो जाए। आपके सपने के साजन कौन है? नहीं मैं अभी पर्सनल लाइफ है बिल्कुल नहीं बता सकती, ये गलत कह रही है, बिकॉज हर इंसान के पास सेम दिल है, सेम गुर्दा है, सब कुछ है, तो जैसे हम हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है, इनका भी होगा, फर्क क्या होता है, कोई मुँहफट होता है बता देता है, लाइक मैं बता देता हूँ, मैं पेट में बातें टिक ली, इनका हाजमा बहुत अच्छा है, मैं उल्टी कर देता हूँ। मेरा कोई साजन का सपना नहीं है, सुपरस्टार बनने का सपना है, बिकॉज मैं दिल से प्यार करती हूं, दिल से विशेस है कि आप बहुत बड़ी स्टार बने लाइक माधुरी। थैंक यू सो मच। क्योंकि माधुरी जी एक ऐसी हैं जो सबके लिए आदर्श हैं, एक हीरोइन के लिए माधुरी जी आदर्श हैं, और मेरे ख्याल से हीरोज के लिए रजनीकांत दादा मेरे तो वही हैं, तो मैं उनको ही मानता हूँ। जी किरदार की बात करें तो, किरदार की बात किया जाए तो इसमें मैं एक कॉलेज गर्ल की, मतलब कॉलेज गर्ल लाइक हूँ, और मेरा बहुत डिसेंट रोल है, बहुत डिसेंट गर्ल हूँ,
सो जो आजकल चल रहा है उसी पे फिल्म बनी है। और ये गलत कह रही है, मसाला फिल्म है पूरी, ठीक है, मसाला है ऐसे है कि ऐसे तो है नहीं, सुंदर नहीं दिखेंगी। हाँ, और जितने दर्शक बैठे हैं, मैं सच आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, चाहे हीरो की बहन हो पर उसको आप बहन समझकर सिनेमा नहीं देखते, ठीक है? मैं बहुत कड़क हूँ, हीरो चाहिए ना, क्या चाहते हैं, हीरो डरपोक हो, हीरो वो चाहिए जो कट टू कट बोले, तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ। इस फिल्म में आपके साजन कौन बनने वाले, बताना चाहेंगे? उनका भी नाम मनोज ही है आई थिंक, नहीं पता, मुझे पक्का नहीं पता है कि कौन, वो डायरेक्टर सर को पता होगा, मनीष नाम है, सॉरी मनीष, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ वर्क। एंड मेरे मनोज भास्कर सर हैं जो मुझे डायरेक्टर, जो मुझे नेक्स्ट सॉरी इस फिल्म में मुझे ऑफर दिए हैं, इसके बिफोर भी मैंने उनके साथ काम किया, ये मेरी दूसरी फिल्म है उनके साथ, तो उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है एंड सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उनकी फिल्में जो बहुत साफ़ सुथरी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नए कलाकारों को मौका दीजिए, उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि हर नया इंसान एक ना एक दिन पुराना होता है, और हर पुराना स्टार पहले नया ही था। किसी के बारे में अपनी राय कायम मत करिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लाइन है कि किसी के बारे में अपनी राय कायम ना करो, उसका वक्त बदलेगा, सबकी राय बदल जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आज जैसे जिसको चिढ़ाते हैं लोग, जिनके मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मोदी जी एक चाय वाला पीएम बन गया, तो ऐसा ना हो कि हमारी प्रिया जी माधुरी बन जाए, राज जो लोग गॉसिप्स कहते हैं वो उनकी बोलती बंद हो जाए। एक है तो एक कहावत है, परसा परसुआ परस राम, तो जब तक कुछ नहीं के बोले कौन बोले परसवा है, ठीक है, और जैसे थोड़ा अगर परसू है फिर जैसे कुछ कर गया तो बोले परशुराम भैया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ करिए। क्या पता राजमौली जी ने एक सपना देखा बाहुबली बनाने का, बचपन में सपना देखा था, बुढ़ापे में पूरा हुआ, पर आज बहुत बड़े मेकर हैं, ठीक है। तो आज मनोज जी ने भी सपना देखा, एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, शुरुआत भले ही छोटी है, चूल्हा भले ही छोटा है, पर क्या पता पकवान बहुत अच्छा हो। तो विश करिए, सबके लिए विश करिए, ताकि हमारा हमारे समाज में नेगेटिविटी ना हो, सिर्फ पॉजिटिविटी हो, भोजपुरी समाज अच्छा हो, प्रयास यही है। पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और बहुत अच्छा है, भोजपुरी प्रगति की ओर है, और अच्छा है कि सबका घर बार चले और अच्छी अच्छी फिल्में बने, सभ्यता के अंदर माँ बहन भाई सब एक साथ बैठ कर देख सकें, और हर तरह के लोग होते हैं तो फिल्मों में हर तरह का मसाला डाला जाता है कि सबका मनोरंजन हो और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग आइटम सॉन्ग सुनने जाते हैं, कुछ लोग लव सॉन्ग सुनने जाते हैं, कुछ लोग धार्मिक चीज़ें देखना चाहते हैं, तो सबका सम्मान हो, सबका आदर प्यार हो, बस और क्या। इस फिल्म में आप जैसे गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, तो गीत संगीत की बात की जाए तो उसमें किस तरह से गीत संगीत होने वाले हैं? बहुत अच्छा, एकदम साफ़ सुथरे गाने रहेंगे और फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। कितने गाने हैं, कौन कौन सिंगर गाने वाले हैं? देखिए, वो तो अब गाने बन रहे हैं अभी, और बनने के बाद डिसाइड होगा कि किसके लायक है गाना, कौन गा सकता है, तो गाना बनने के बाद ही तय होगा। अभी गाने लिखे जा रहे हैं, कुछ गाने बने हैं, तो ऐसे ही है जी। आप क्या कहना चाहिए इस फिल्म को, जो मुहूर्त हो रहा है? इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2 साल में 2 फिल्म बनी है, 10 फिल्म बने इस साल में, मैं इसके लिए धन्यवाद बोल रहा हूँ मनोज भाई के लिए। आप क्या करने वाले हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में अपना तो भाई हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी अपन काम तो मालूम ही है, हम कर ही लेते हैं, बेसिकली लाइट का व्यवस्था करते हैं, और कभी कभी गाना भी गा लेते हैं। तो श्याम जी, मतलब श्याम जी गवाएंगे आपसे? सर पहले इनका लिखा हुआ गाना गा चुके हैं, हमारे गुरु हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, गाजी धरती से हैं जी। श्याम जी बात करें, ये डब्लू राजा हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, कुछ बताना चाहेंगे? डब्लू राजा भी बहुत रोमांटिक बच्चा है और बहुत प्यारा गायक, और बिहार की धरती से हैं, और आने वाले टाइम में माता रानी करे कि ये भी नाम करें अपने माँ बाप का, गाँव पुर का, और बढ़िया से बढ़िया गाना गाएं, और इस फिल्म में जो है बहुत अच्छा इनका रोल है, अभी खुद ही बताएंगे, इनसे पूछिए आप जी। डब्लू राजा बताइए। सबसे पहले तो मैं सबसे भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूँ, और ये सपने साजन के इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज भास्कर जी और प्रोड्यूसर आर्यन चौधरी जी। इस फिल्म में मेरा 2 सॉन्ग है अभी फिलहाल में, मगर डिसाइड नहीं हुआ है। क्या गाने वाले हो या एक्टिंग करने वाले? गाने वाला हूँ। तो कुछ गाना गा के सुनाओगे आप?
हाँ गा के सुना सकता हूँ। अभी फिलहाल में मेरा अभी रिलीज हुआ दंगल से, ये भी साथ में गए हैं। किया बना डानी तो ही मन बहलाइब, ले चल के जूहू चौपाठी घुमाइब। बना डानी तो ही मन बहलाइब, ले चल के जूहू चौपाठी घुमाइब। उठवा से उठवा सटाई मुंबई के वड़ा पाव खिलाइब, हे रानी तो के कुल्फी चुसाइब। यही कहकर मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि कितने किसको कितने जो है अपने प्रेमिकाओं को कुल्फी और वड़ा पाव खिला चुके हैं। अच्छा तो बहुत लोग खा चुके हैं मेरे से, मुंबई तो वड़ा पाव पे टिकी हुई है गरीबों के लिए। वो जो कि कितने लोग हैं कि मजदूर लोग काम करने वाले कि एक वड़ा पाव पे मुंबई में गुजर कर लेते हैं पूरा दिन, तो उसी पे अभी लिखे थे रमेश राज जी कवि जी मेरे। नागेश भी गाए हैं, हम भी गाए हैं उस गाने में। आप क्या करने वाले हो इस फिल्म में? मैं कॉमेडियन हूँ और दो सॉन्ग भी है मेरा इसमें। आप सभी मीडिया भाइयों को प्रणाम करता हूँ और इस टीम के जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज सपने साजन मूवी का मुहूर्त हुआ है। बहुत ही अच्छी मूवी और इसमें लगभग मार्केट के अच्छे अच्छे लोग कलाकार जो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी मूवी, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो एक नए अंदाज में नए हिसाब से ये मूवी मार्केट में आने वाली है। और इसके डायरेक्टर हमारे मनोज भी है, लगभग मैं इसी स्टूडियो से मेरा हर एक गाना रिकॉर्ड होता है। तो इसमें जो भी कुछ रहेगा देखते हैं, इसमें तो सिंगर हूँ, कुछ भी जैसे कुछ गाने रहे या कुछ भी है जिसमें रहेगा रोल, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। सभी लोगों का बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट है और मैं यही चाहूँगा कि ये मूवी आगे चल के एक अच्छे लेवल पे पहुँचे और पब्लिक का पूरा प्यार मिले सभी का, और बस यही कहना चाहूँगा मैं। कोई गाना गा के सुनाना चाहेंगे? यस जरूर, सिंगर हूँ जरूर गाऊँगा। जी मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ। जी मेरे आज जो फिल्म का मुहूर्त है सपने साजन के, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? ये फिल्म बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, हमारे मनीष भैया जो हीरो उन्होंने अपने हाथों से बैठा के लिखवाया है। ये फिल्म बहुत अच्छी है, हमारे डायरेक्टर साहब मनोज अंकल जी हैं, हमारे अंकल जी हैं मनोज जी, और प्रोड्यूसर साहब हमारे आर्यन चौधरी सर हैं। जी मनोज पांडे जी हीरो हैं जी, मनोज उनके बारे में, उनके साथ मैं पहली बार देखा हूँ उनको, अभी आए हैं, बहुत अच्छा उनका फिल्म भी देखा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म आती है उनकी। जी मेरा नाम बबलू राजभर है, एज ए कैमरामैन। ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसके विषय में हम लोग बहुत बैठ के डिस्कस किए एक दिन, और बाद में प्लान किया गया कि इसको बनाया जाए अच्छे ढंग से, तो बहुत अच्छा लगा फिल्म, इसका कहानी बहुत बढ़िया है। फिल्म के हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें जहाँ तक मानते हैं कि ये पिक्चर बनाई जा रही है जो कि गांव का रियल स्टोरी पर आधारित है, और ये बहुत अच्छा कहानी लग रहा है। इसमें प्रोड्यूसर जी जो हैं वो भी बहुत अच्छा किरदार करते हैं, अच्छे रोल करते हैं, और उसके बाद हीरो भी अच्छे हैं मनोज जी, और उसके बाद हीरोइन भी सही हैं कल्पना जी। मैं सबसे पहले जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं और जितने भी भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, जितने भी मीडिया हैं, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं और मैं करता हूं। हमें एक चीज़ बहुत दिन से मीडिया के सामने कहना चाह रहा था और लोगों को ये बात पता चले, और ख़ास करके हमारे भोजपुरी समाज वाले जो पिक्चर देखते हैं और जो हमारे भोजपुरी समाज के एक्टर हैं, कुछ लोग जो हैं भोजपुरी को बोलते हैं गंदा है, ये है वो है, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं भोजपुरी पिक्चर। और भोजपुरी मतलब लोग भी बिहार यूपी में कहते थे कि भोज मतलब पूरी, उस तरीक़े से हमारी भाषा में खुशबू आती है, और भोजपुरी बहुत ही अच्छी फिल्म, भाषा ही बहुत अच्छी है, फिल्म तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में हमने जितने भी देखा हिंदी पिक्चर भी हो जो उस टाइप के जो भोजपुरी भाषा को लोग यूज करते हैं और जो उसकी टोन होता है बहुत क्यूट होता है और लोग उनको बहुत अच्छे तरीक़े सराहते हैं। और ख़ास करके जो सपने साजन की जो पिक्चर है जो मनोज भैया डायरेक्शन कर रहे हैं और मनोज आर पांडे जो हीरो, ये चोली दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत करीबी हैं, और कहानी तो बहुत ही अच्छी है। और मैं एक बात और सारी पब्लिक से, भोजपुरी वाले पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे पिक्चर देखें, और मैं आप लोग से भोजपुरी वाली पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गंदा गाना सुनना पसंद करते हैं क्या? ये जितने सिंगर लोग हैं जो बोलते हैं कि भोजपुरी के जो पब्लिक है वो गंदा चीज़ सुनना चाहता है, तो आप लोग इस चीज़ों को विरोध क्यों नहीं करते? मैं आप सभी पब्लिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक को क्यों बदनाम किया जाता है कि भोजपुरी चीज़ सुनना गंदा सुनना चाहते हैं इसलिए हम गंदा गाते हैं? आप लोग जितने भी गंदे गाने वाले सिंगर हैं
जो भी व्यक्ति है जो ऐसा चाहता है, जो ऐसा बोलता है, उसके विरोध करें और उस पर कमेंट करें। और जो व्यक्ति चाहता है कि भोजपुरी हमारी बल से चल रही है, भोजपुरी में सिर्फ हम और हम हैं, वैसे व्यक्ति का तो पिक्चर आप लोग ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि वो बोलता है कि हम हैं तो भोजपुरी है और हम नहीं है तो भोजपुरी नहीं है। हमें कहने का मतलब, वो भोजपुरी में जब नहीं था तो क्या भोजपुरी पिक्चर नहीं बनती थी? पहले भी भोजपुरी पिक्चर बनती थी, वो आज भी बनती है और कल भी बनेगा। अब हमेशा दौर होता है कि हर दिन एक नए कलाकार आते हैं और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कोई किसी का खरीदा हुआ बाप का जागीर तो यह है नहीं, मैं कड़वी भाषा में बोलना चाहता हूं। अगर कोई ये चाहता है या कोई कहता है पब्लिक से या मीडिया से कि हम है हमें हटा दो तो भोजपुरी में कुछ नहीं रहेगा, मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं ऐसे चुटकी के, बल्कि तू भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दे, तो देख भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है, भोजपुरी पिक्चर बनती है या नहीं बनती है। जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, दो टके की जिसकी बहुत बात करने की तमीज़ नहीं, जिसको थोड़ी सी शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं है, वो बोलता है कि हमें भोजपुरी पिक्चर से निकाल दिया जाए तो हम उसको निकाल दिया जाए या उसको निकाल दिया जाए तो भोजपुरी पिक्चर में कुछ बचेगा नहीं। मैं कहता हूँ तुमको, जिसको जिसको निकालना है सबको निकाल के घर लेके जा और उसको से जाके हर बैल लेकर के उसको खेती जाके कर, और तू देख भोजपुरी पिक्चर बनती है कि नहीं बनती है। एक बार ये बात मनोज तिवारी कहते हैं, लाल सिन्हा में जो डायरेक्टर थे, जो हमने ससुरा वाला पैसा पिक्चर देखा था जहाँ से भोजपुरी की दौड़ शुरू हुई है, इन लोग अगर यह सब बात थोड़ा सा कहते तो हमें समझ में आती कि भोजपुरी पिक्चर को इन लोगों ने दौड़ लेके आया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो पिक्चर लेके दौड़ आए हैं तो उन्हीं का पिक्चर खरीदा हुआ है। एक चीज़ होती है भोजपुरी, अगर किसी भी चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ, और हमेशा बहुत ज़्यादा मैं किसी को बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि किसी को सच बात ही कड़वा लगती है, हमारे लिए सबसे बड़ी दर्शक होता है, हमारे लिए सबसे बड़ी मीडिया होता है, और हमारे लिए सबसे बड़ी, हम सभी स्टारों से प्यार करते हैं, अभी भी करेंगे, अभी भी करते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि हमारे लिए कोई जनता हमें सपोर्ट नहीं करता। तुम पहले जनता को सपोर्ट करो। तुम कहते हो कि हम रजनीकांत बनना चाहते हैं, तो रजनीकांत अपनी पूरी कमाई जनता में बांट देता है, और तुम लोग हो जो बोलते हो जनता को सपोर्ट नहीं करते हो, कैसे करेगा, तुम तो लात मारते हो। अरे जनता तुम्हारे लिए भगवान है, उसकी पूजा करो, ऑडियंस तुम्हारे लिए सबसे बड़े मायने रखता है और उसको इज्जत करो। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं भोजपुरी के ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि जो भी गंदे गाने गाते हैं उनके विरोध कीजिए और अच्छी चीज़ आप लोग सुनिए और अच्छी चीज़ देखिए। ये हमें नहीं कह रहे हैं कि सपने साजन की हमारा पिक्चर है इसलिए बहुत अच्छा है, आप पिक्चर देखिए और आप डिसाइड कीजिए कि पिक्चर सच में अच्छा है या जितेंद्र ने कुछ कह दिया तो अच्छा है। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम शैलेश भारत है, मैं बेसिकली फिल्म राइटर और डायरेक्टर हूँ, मेरी भी एक फिल्म आने वाली है। ये फिल्म सपने साजन के बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है, और भोजपुरी भाषा का जो औचित्य है, भोजपुरी भाषा की जो नींव है, वो पारिवारिकता से है, आपसी संबंधों से है, आपसी समझ से है। इसी सिलसिले में ये मूवी, ये फिल्म एक पारिवारिक दृष्टिकोण रखती है और संबंधों का परिदृश्य समझाती है, बताती है। दूसरे हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई मनोज भास्कर जी, मनीष जी, इस फिल्म के लीड एक्टर मनोज जी, कल्पना जी, ये सब हमारे अच्छे दोस्त हैं हमारे, और इन सभी लोगों को मैं इस फिल्म में ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि फिल्म में अपना 100% दें और फिल्म को सफल बनाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं पूजा पटेल हूँ। फिल्म के बारे में इतना ही कहूँगी कि सपने साजन के मूवी, जैसे कि शैलेश जी ने अभी बताया कि पारिवारिक मूवी है, बहुत ही अच्छी है, और आप सब ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे, आप उनको देखने जाइए और सबको आशीर्वाद दीजिए। टीम में कल्पना जी, मनोज जी, मैं सबको, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको सबको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी और ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट सक्सेस। आप इस फिल्म से किस तरह जुड़े हुए हैं? मैं बस, हम दोस्त हैं, शैलेश जी है, मनोज जी, हम लोग सब दोस्त हैं, और इसीलिए मैं शुभकामना देना चाहूँगी। इसमें मैं इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि ऑडियंस बहुत प्यार दे, सपोर्ट दे, और मूवी जो है बहुत सक्सेस हो। मौका मिले तो आप भी काम करना चाहेंगे? डेफिनेटली करना चाहूँगी, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसी ऐसे चांसेस होते तो मैं नहीं मानती कि मैं इसमें नहीं होती। ठीक है, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे और आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, अब तक आपने क्या किया है? मैं एक्चुअली गुजराती आर्टिस्ट हूँ, मैंने गुजराती मूवीज़ की है और एपिसोडिक शोज़ मैं हिंदी के कर रही हूँ। अभी एक मणिकर्णिका मूवी की है,
और उसमें छोटा सा कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। सो बेसिकली मैं भी आर्टिस्ट ही हूँ और नेक्स्ट शैलेश जी की मूवी में शायद मैं हूँ। भोजपुरी सिनेमा में आप भी एंट्री करने वाले हैं? डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि शैलेश जी जो भी कुछ काम करें उसमें मैं इन्वॉल्व रहूँ। ऑडियंस को आप ये बोल दीजिए कि जो लोग डेफिनेटली ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि आप लोग खर्चा करते हैं, आप आइए मूवी को एंजॉय कीजिए, बाकी सारी बातें मत सोचिए। देखिए मूवीज जो होती है वो कुछ ना कुछ समाज मतलब सोसाइटी को मैसेज देने के लिए होती है, अच्छी मूवीज होती है और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये एक पारिवारिक मूवी है, बहुत कुछ इसमें जैसे शैलेश जी ने बताया परिवार के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आराम से देखिए और अपनी अच्छी कमेंट्स दीजिए। Thank you.